ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का हमारे चैनल चमकती किस्मत में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम यहां हर रोज़ आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, हम रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते जा रहे हैं जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी और उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति यह चीज़ें करेगा इसी उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, उसके धन जीवन में हमेशा धन धान्य से भरपूर रहेगा और वह हमेशा अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे जिनको भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इनका लाभ उठा सकें। अब अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण ने कई सारी चीज़ें बताई थी जो मनुष्य यदि अपने जीवन में अपना ले तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा पार है, और ऐसी कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी आप सुबह उठें मॉर्निंग में यानी सुबह सवेरे, तो धरती माता को छूकर जरूर एक बार प्रार्थना करें, सब अच्छा हो, अच्छे के लिए, कुशल मंगल के लिए। धरती माता भी हमारी माता हैं, इसलिए एक बार उन्हें जरूर प्रणाम करना चाहिए उन्हें छू के। इसी के साथ आप जो है रात को सोते वक्त एक तांबे के कलश में पानी रख लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसके बाद अपने बिस्तर के पास उसे रखा रहने दें, और जब सुबह हो तो सुबह होने के बाद आप उसकी छींटे अपने बिस्तर पे मारें जब सुबह आप उठ जाएं, और उसके बाद वह गंगा जल आप पी लें। दोस्तों यह उपाय करने से आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, आप अंदर से पवित्र हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भर जाती है, आपका जो आत्मविश्वास है बहुत ऊपर चला जाता है, इसी के साथ आपके कामों में जो भी विघ्न बाधा रुकावट है वो सब भी खत्म हो जाती हैं। यह उपाय करने से नारायण भी बेहद खुश होते हैं और माँ लक्ष्मी भी, और यह उपाय करने से आपके नए नए मार्ग खुलेंगे, क्योंकि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा एक बार घर में आ गई, आपके अंदर आ गई, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी होती ही होती हैं। इसी के साथ आपको ये भी करना है दोस्तों, जो लौंग होती है वह भी हमारे धर्म में बहुत ताकतवर चीज़ मानी गई है, ना इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है एक औषधि के रूप में, बल्कि यह तंत्र मंत्र में भी बहुत ताकतवर चीज़ है। यह माँ दुर्गा को भी और माँ लक्ष्मी को भी प्रिय है। आपको इसे रात को सोते वक्त अपनी तकिया के नीचे रखना है, और अगले दिन सुबह उठ के आप इस लौंग को नहाने धोने के बाद आप इस लौंग को पानी के साथ निगल जाएं। दोस्तों यह करने से भी आपको आपके कार्यों में पार सफलता मिलती है, आप जिस भी काम में जाएंगे वहाँ आपको सफलता ही मिलेगी, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, कोई अपना दुकान हो या बिजनेस हो किसी प्रकार का, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों यह सब चीज़ें हर तरीके की नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर देती है, बात है ये। लेकिन दोस्तों याद रखें, ये लौंग चबाएं नहीं, ये लौंग आपको पानी के साथ निगल जानी है, और ये जो उपाय है गुप्त उपाय तो नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है तो आप किसी को ना ही बताएं, मतलब ज़रूरत नहीं है तो आप ना बताएं, अपने आप चुपचाप करते रहें और जो इसका आपको फल मिले उसका आप लुत्फ़ उठाएं। दोस्तों बस याद रखिएगा, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, भरोसा रखे रहें, ये उपाय करते रहें, हर दिन का उपाय आप इसे हर दिन करें, और इसी के साथ आप जो है अपने कर्म भी करते रहें, कर्म ही प्रधान है, कर्म सब कुछ है, बाकी फल आपको माता रानी लक्ष्मी दे देंगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।